तो हेलो, वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले आपको कुछ इंडिकेटर्स दिखा देता हूँ जो कि पिछली वीडियो में थोड़ा मिस हो गया था। तो देखिए, इंडिकेटर में जाएंगे हम। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तो उसके बाद हम RSI देख लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस होता क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डाइवर्जेंस होता क्या है कि प्राइस जो होती है, देखिए ऐसे अगर प्राइस ऐसी चल रही है, फिर ऐसा चल रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड फिर लोअर लो चल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस क्या करिए, एक लोअर लो, लोअर हाई बनाए। लेकिन इंडिकेटर यहाँ पे क्या करेगा, इंडिकेटर एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनेगा, ठीक है। यानी एग्जैक्ट ऑपोजिट करेगा, जो प्राइस एक्शन के ऑपोजिट करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से अभी थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज होने के चांसेस है, ठीक है। हम जब सिर्फ चांसेस है, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है प्राइस एक्शन के ऊपर, तब तक हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। तो जो डाइवर्जेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बुलिश डाइवर्जन, दूसरा होता है बेरिश डाइवर्जन। बुलिश डाइवर्जन जो होता है वो हमें बॉटम में देखने को मिलता है, एंड जो बेरिज डाइवर्जन होता है वो हमें टॉप में देखने को मिलता है। उसके कुछ एडवांस कंसेप्ट भी है जो कि हम न्यू वेव में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये बस इतना समझ लेते हैं कि डाइवर्जेंस होता क्या है, एंड उसके ऊपर उसके डाइवर्जेंस के बेस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे कुछ दिखाया था। तो इंडिकेटर में सबसे पहले हम कुछ सेटिंग चेंज कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम यूज करते हैं 60 एंड 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट मार्केट जो है वो यहाँ से एक थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जन है, एक एंड बेरिश डाइवर्जन। ये मैंने देखिए टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा दिया है 5 मिनट का। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक लोअर लो बन रहा है एंड यहाँ पे भी नहीं है। तो मैं आपको डाइवर्जन दिखा देता हूँ कि डाइवर्जन किस तरीके से होते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लाइन चार्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है, अगर लाइन चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक हायर हाई बना है, लेकिन इंडिकेटर में एक थोड़ा सा डाइवर्जन दिखा है। ठीक है, इतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ क्लियर डाइवर्जन दिखाता हूँ वो किस तरीके से होते हैं। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि आप कुछ डाइवर्जन दिख रही है या फिर नहीं। मैं आपको दोनों डाइवर्जन दिखा देता हूँ कि बुलिश एंड बेरिश किस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मार्केट यहाँ पे एक एक लो है एंड एक हाई है, ठीक है। यानी एक मार्केट प्राइस एक्शन क्या दिखा रही है हमें, एक लो है एंड उस लो के ऊपर एक दूसरा लो है, लेकिन इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है, लोअर लो बता रहा है, जबकि प्राइस है हायर लो है, सॉरी लोअर हाई, ठीक है। अब मैं आपको, अगर आप क्लियर देखना चाहते हो तो आप देखिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए इसका लो देखिए एंड ये लो देखिए, ठीक है। इस ये जो लो है उसके नीचे ये प्रीवियस लो है, यानी एक मार्केट हायर लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या, लेकिन इंडिकेटर क्या कह रहा है, पे डिफरेंट कर रहा है, इंडिकेटर लोअर लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा, अभी आपसे देखिए आप प्राइस एक्शन को देखेंगे तो यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। अब वो कितना रिट्रेस करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए यहाँ से गिरा था मार्केट, मैंने वहाँ से लगा लिया एंड फिर उसके बाद मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए मार्केट कितना रिट्रेस हुआ, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 28, 23%, 38% एंड एग्जैक्ट 50% मार्केट मार्केट रिट्रेस हुआ, एंड 50% रिट्रेस होने के बाद मार्केट फिर से एक बार गिरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टूल्स को यूज करके आप अपने जो ट्रेडिंग के जो डिसीजन है वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम ये था हमारा, ये किस तरीके का डाइवर्जेंस है, ये है बुलिश डाइवर्जन, ठीक है, क्योंकि ये हमें बॉटम में मिला। सिमिलरली हम अब कुछ बेरिश डाइवर्जन भी देख लेंगे, ठीक है। तो बेरिश डाइवर्जन का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए बेरिज डाइवर्जन भी देख लेते हैं हम। देखिए यही पे हमें देखने को मिल गया है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक हायर हाई कर रहा है, लेकिन इंडिकेटर क्या कर रहा है, एक
हायर लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होना चाहिए, लेकिन सिर्फ डाइवर्जेंस के ऊपर हम डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक हम मार्केट को सेल नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस तो देखने को मिल रहे थे, लेकिन हमें कंफर्म कब कब हुआ, जब ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल थी जैसे ये कैंडल ब्रेक हो गई, देखिए ये जैसे ये कैंडल ब्रेक हुई मार्केट ने एक आराम से मार्केट गिर गया यहाँ पे, ठीक है। फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर मार्केट एक बार गिरा। कितना रिट्रेस हो सकता है वो भी आपको पता है, उसको कैसे देखना है। देखिए जहाँ से मार्केट फॉल होना शुरू हो रहा था शुरू हुआ था वहाँ से हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्ट 50% का रिट्रेस किया, फिर उसके बाद में मार्केट फिर से गिरा। तो अगर आपको डाउन ट्रेंड में अगर आप ऐसे पता लगाना है कि अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, अब ये क्या हुआ, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे आप, ठीक है। अगर ये आपको आपके आपसे मिस हो गया तो आप क्या करोगे, एक वेट करोगे मार्केट में एक बाउंस आने का, ठीक है। गिरने के बाद मार्केट में बाउंस आता है, फिर एक बाउंस आने के बाद आप क्या करोगे, आपको पता है कि मार्केट अब कहाँ तक ऊपर जा सकता है, मार्केट गिरने के बाद कितना बाउंस हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का जो यूज़ है वो आपको पता है। जैसे देखिए 50% डॉट यहाँ पे होने के बाद आपको एक इन्वर्टेड हैमर मिला है। जैसे ही इन्वर्टेड हैमर का लो जाता है आप फिर से एक बार उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर आपसे मिस हुआ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से आपको एक बार आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्यों, बहुत वो भी आपको बहुत ही सिंपल टूल्स यूज करने से आपको एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे जो जो हमारा ये था जो टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिंग, तो यहाँ पे मैंने आपके जो सारे टूल्स वगैरह थे जो कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। तो जो अगला पार्ट रहेगा वहाँ पे हम चार्ट पैटर्न देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।